जम्मू के डोगरों ने तो हमेशा बीजेपी को सपोर्ट किया था, आज पछतावा हो रहा है। वो जम्मू के डोगरों से गलती होगी ना, उनके बकावे में आगे अंग्रेजों ने भी क्या क्या गलती से क्या हिंदुस्तान पर राज किया था, ऐसे ही राज कर लिया, लेकिन जाएंगे। रावण राज भी गया, कंस राज भी गया, मोदी राज भी जाएगा। सर वो गुंडागर्दी दिखाई है सर, यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करे और जेल में बंद करे। मैं को भी करो जेल में बंद, मैं तो यहाँ पे कहता हूँ करो। हम भी मिलेंगे युवा राज सभा के लोगों से, हम डरने वाले लोग हैं सर। सर देखे वहाँ पे जाके जेल में बंद कर रहे हैं सर, ये आज ताना सही आ चुके हैं सर, हमारे को बोलने भी नहीं देते सर। अभी आप यहाँ आप डिबेट कर रहे हो, घर जाओगे हम भी वहाँ पे होंगे सर। इस बार देश के बाहर, भाजपा देश के बाहर जाएगी। क्या आप जम्मू के लोग कह रहे हैं? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में क्या भाजपा ये देश में भी नहीं रहेगी। हमारा जो हिंदुस्तान है तंग आ चुका है इनकी गंदी सियासत से। भाई को भाई से लड़वाना, खून खराबे कराना, दंगे करवाना, ये नहीं चलेगा। अब लोग तंग आ चुके हैं इनकी सियासत से। हिंदू मुस्लिम करवाती है बीजेपी, ये सबको मालूम है, सबको मालूम है। बोलने की जरूरत नहीं, पूरे देश को पता है। जो बोलता है उस पर ये ईडी का सीबीआई का केस लड़वा देते हैं, हो सकता है कल मेरे पर भी कोई केस डाल दे, लेकिन हम डरने वाले नहीं। जम्मू का डोगरा डरता नहीं है, ये एलजी को मालूम नहीं है। और एलजी साहब इतने काम के होते हैं, ये खुद गाजियाबाद से इलेक्शन जीत के आते। जम्मू के अंदर लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। जम्मू युवा राजपूत सभा के लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है और इनकी गिरफ्तारियों को लेकर युवा राजपूत सभा के लोग जो हैं वो रोडों के ऊपर भी हैं। किसी सरकार के झूठे वादे और खोखले दावे इन आवाम आम शहरियों के साथ। नमस्कार जी, मेरा सवाल ये रहेगा, कई दिनों से आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने काफी ज्यादा एहतजाजी मुजाहरे किए, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार को टस से मस हुई? टस से मस हुई, वो खुद कह रहे हैं कि मैं जब जम्मू कश्मीर छोड़ूंगा, जो कहते ही नहीं थे कि मैं कभी जम्मू कश्मीर छोड़ूंगा। जब उनके मुंह पे जो दिमाग में होता है वो जुबान पे होता है, जब जुबान पे आ गया हम जम्मू कश्मीर छोड़ रहे हैं, तो प्रेशर उनको देखने को मिल गया बीच में। और आप कुछ थोड़े दिन और दीजिए, जब हम प्रदर्शन करते रहेंगे इनको खुद आईना दिख जाएगा बीच में जो गलत चीज कर रहे हैं। अच्छा, जम्मू के लोग तो हमेशा अमन चाहते थे, हमेशा सुकून में रहना चाहते थे, लेकिन आज जम्मू को भी डिस्टर्ब किया जा रहा है। देखिए, जम्मू के लोग आज भी अमन में, आप हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुल, इतना सिक्योरिटी का दायरा लगा दिया हुआ है जैसे हमने पता नहीं क्या कोई गुनाह कर दिया हुआ है बीच में। आपको हमें समझ नहीं आता, युवा राजपूत सभा जब हम खाना खाते हैं हमारे घर वाले कहते हैं कि टोको मत पाप लगता है, और इनको खाना खाते हुए जेल में फेंक दिया गया। इनका क्या, आप बताइए, अपराध था क्या, गलती थी सरकार से, इन्होंने सवाल किया, यही चीज इनकी गलती थी क्या? और इनका हम जवाब जरूर देंगे। जम्मू कश्मीर का जनता जो कहते हैं ना, ओ बैठा था पता नहीं दिल्ली गया, मिलन नहीं होया, तो उनको सब कुछ पता चलेगा बीच में। रविंद्र राणा जी की मैंने सुना वो फ्लाइट में मिस हो गई थी। देखो, उनकी कुर्सी भी मिस हो जाएगी, थोड़ा टाइम और दे दो, हम आपको गारंटी देते हैं। और यहाँ लोग खड़े हैं ना, आप सारों को मिट्टी की कसम, जेल जाने से डरता है कोई? सच में बस देखो, जेल जाने से नहीं डरते, मैं तो कह रहा हूँ मुझे डालो जेल में, मुझे फख्र होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं कहता हूँ भगवान अल्लाह मुझे जेल में डाल दो, पर उस जेल में डालना जहाँ युवा राजपूत सभा के लोग हैं। हम इसी बहाने उनसे मिल तो लेंगे, शक्ल तो देख लेंगे, मिलने नहीं दे रहे, घर वालों को नहीं जाने देते, जाने कब देते हैं जब बहुत टाइम हो जाता है। हम लड़ाई लड़ेंगे साहब, और हम लड़ाई जीत के रहेंगे। आप जैसे लोग हमें मिले, ऐसा क्यों आप सब लोगों के साथ हो रहा है? आप लोग तो जनवन डिमांड कर रहे हैं, जम्मू के जनवन काज की मांग कर रहे हैं। सही देशभक्ति ये नहीं होती कि तिरंगा दिखा दिया 15 अगस्त को, 16 को झंडा फेंक दिया, वो देशभक्ति सही नहीं होती। देशभक्ति ये है जब जब आपकी आवाज को कुचला जाए, अम्बेडकर साहब के द्वारा, अशफाकुल्ला खान के द्वारा, जो मेहनत से संविधान में हमारा योगदान है, उसकी आवाज कुचली जाए, हम उसको आगे आके खड़े होकर चैलेंज करें सरकार को, वो देशभक्ति है। आज वक्त है अपनी देशभक्ति दिखाने का, ये नहीं कि 15 अगस्त को आपने वो दिखाया तो हम देशभक्त है, आज दिखाओ अपनी देशभक्ति बीच में। और सबसे ज्यादा 15 अगस्त को जिसने धूमधाम से रैली निकाली थी वो युवा राजपूत सभा के ही लोग थे। और दुर्भाग्य की बात है सर, 6 दिन भी नहीं हुए उनको जेल में बंद कर दिया, 3 दिन के बाद जेल में बंद कर दिया 15 अगस्त के बाद। लाना सरकार, क्या सरकार डर चुकी है, निकम्मी है, मैं क्या बोलूं सर, मेरे को बोलना नहीं चाहिए ऐसे लोगों पे, ये ऐसे कमरों में बैठ के बोलते बड़ा बुरा हो रहा है। दिल्ली के लोग तो कहते हैं कि ये लोग भी तो हमारे अपने ही हैं, हम सब एक ही हैं। नहीं देखे, वोट के लिए तो हर बंदा वो करते हैं, ऐसी मैं बोलना नहीं, पॉलिटिकल में कम कमेंट दूंगा, परंतु इन लोगों को ग्राउंड में आके जुड़ना चाहिए। हमने टेयर गैस जेली, हमने लाठियां खाई, ये तो ऐसी कमरे में बैठ के दिल्ली गए, कहते दिल्ली नहीं मिलने हुआ, तो किसने बोला दिल्ली जाते? आप बस उनके जेल में जाके पांव छू के माफी मांगते ना, हमारे एलजी के वक्त में हुआ, हम एलजी का कुछ देखेंगे, आपको लोग माफ भी कर देते, पर आप लोग इतने डरपोक लोग हो, आपको पता है अगर आप गए तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। क्या आपकी बार लखनपुर के पार 100
110% इस बार देश के बाहर, भाजपा देश के बाहर जाएगी। ये आप जम्मू के लोग कह रहे हैं? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में क्या भाजपा ये देश में भी नहीं रहेगी। बहुरा हमारा जो हिंदुस्तान है तंग आ चुका है इनकी गंदी सियासत से। भाई को भाई से लड़वाना, खून खराबे कराना, दंगे करवाना, ये नहीं चलेगा। अब लोग तंग आ चुके हैं इनकी सियासत से। हिंदू मुस्लिम करवाती है बीजेपी, ये सबको मालूम है, सबको मालूम है। बोलने की जरूरत नहीं, पूरे देश को पता है। जो बोलता है उस पर ये ईडी का सीबीआई का केस लड़वा देते हैं। हो सकता है कल मेरे पर भी कोई केस डाल दे, लेकिन हम डरने वाले नहीं। जम्मू का डोगरा डरता नहीं है, ये एलजी को मालूम नहीं है। और एलजी साहब इतने काम के होते, ये खुद गाजियाबाद से इलेक्शन जीत के आते। जम्मू के डोगरों ने तो हमेशा बीजेपी को सपोर्ट किया था, आज पछतावा हो रहा है। वो जम्मू के डोगरों से गलती होगी ना, उनके बकावे में आगे अंग्रेजों ने भी क्या क्या गलती से क्या हिंदुस्तान पर राज किया था, जैसे ही राज कर लिया। लेकिन जाएंगे, रावण राज भी गया, कंस राज भी गया, मोदी राज भी जाएगा। सर वो गुंडागर्दी दिखाई है सर, या पीसफुल प्रोटेस्ट करे और जेल में बंद करे। मैं को भी करो जेल में बंद, मैं तो यहाँ पे कहता हूँ करो। हम भी मिलेंगे युवा राज सभा के लोगों से, हम डरने वाले लोग हैं सर। गुंडागर्दी गुंडागर्दी सर देखे, वहाँ पे जाके जेल में बंद कर रहे हैं सर। ये आस्थाना सही आ चुके हैं सर, हमारे को बोलने भी नहीं देते सर। अभी आप यहाँ आप डिबेट कर रहे हो, घर जाओगे हम भी वहाँ पे होंगे सर। आप देख सकते हैं ये जम्मू के अंदर हालात हैं ऐसे, जिनको देखने के बाद हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि जम्मू के जो हमारे डोगरा भाई हैं इनके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है। जम्मू के आम शहरियों ने हमेशा जो है वो अमन बनाया है, कभी भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं किया है, कभी भी माहौल को डिस्टर्ब नहीं किया है। बट आज बड़े दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जम्मू के लोगों के ऊपर भी जुल्म किया जा रहा है। और जम्मू के डोगरा भाई हमारे खुद कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने बीजेपी को वोट दिया। जम्मू के लोग खुद कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा कसूर था कि हमने भारतीय जनता पार्टी को इक्तदार में लाया, हमने यहाँ से सिटिंग एमपी बनाए, हमने यहाँ से एमएलएस बनाकर भेजे। लेकिन आज उन्हें महसूस हो रहा है कि उनके अधिकारों के साथ जो है वो छेड़खानी की जा रही है और उनके बुनियादी हकूक को जो है वो दबाया जा रहा है। ऐसे ही हालात रहे तो शायद आते समय में सरकार को लेकर चलते हुए कहीं और भी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। फिलहाल के तौर के ऊपर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस को तैनात किया हुआ है और पुलिस लगातार इन लोगों को धीरे धीरे डिटेन कर रही है।